वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई का मीडियम क्या होता है। ये बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी थी, ठीक है, कॉमन क्वेरी थी और बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इस पे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा आपको या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर हम आगे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं तो क्या वहां पे हमें दिक्कत होगी, क्या हमें वहां पे हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी क्वेरीज मैं आपकी आज दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप हमारे नए चैनल एकलव्य इन्फो को जरूर विजिट करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यहाँ पे हम अलग अलग कोर्सेज के बारे में और बहुत सारी आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर देखें। और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप आके मुझसे पूछिए, मैं आपका वहां पे रिप्लाई जरूर करूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि कोई भी कॉलेज कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से मना नहीं करता, ठीक है। चाहे कोई भी कॉलेज हो, आपका हर कॉलेज में एडमिशन लेने का हक है। ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वाला कोई प्रोविजन नहीं है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ना आने दिया जाए, ठीक है। बिल्कुल आपका हक है, पढ़ाई का मीडियम सिर्फ एक मतलब मीडियम होता है आपका, इससे कुछ भी वो नहीं होता, भेदभाव वगैरह। आप जरूर जा सकते हो बड़े कॉलेजेस में, बट स्टडिंग इन दीज कॉलेजेस इज ऑल्सो अ वेरी टफ टास्क। अब इसमें थोड़ी सी मुश्किलें क्या आती है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, DU अलाउज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन इन BA इंग्लिश ऑनर्स ऑल्सो। आप अगर ये सोच रहे हो कि बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इवन आप बड़े से बड़े कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स तक भी कर सकते हो। आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो आप इंग्लिश ऑनर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको एक चीज बताऊं, जो DU के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं, ठीक है। जो आपकी कट ऑफ आएंगी या जो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं, वो सभी उनका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश होता है। बिकॉज DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पूरे देश के बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं हर किसी को हिंदी में सब कुछ समझ में आता हो, तो यहाँ पे जो मतलब कामकाज की जो लैंग्वेज है वो आप मान के चलो इंग्लिश होती है। अब आगे मैं अगर आपको बताऊं, एक मिथ होता है बच्चों के मन में कि जो मतलब हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स मतलब जो मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो तो बड़े कॉलेज में जा ही नहीं सकते, ठीक है, वहां पे तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं 12th क्लास तक, अपनी 1st क्लास से लेकर 12th तक मैं प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ा था, और उसके बाद आज मैं अपने 3rd ईयर में हूँ, ठीक है, हिंदू कॉलेज से, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो कि काफी ज्यादा पहुंचा हुआ और काफी ज्यादा नंबर 1 पे कॉलेज आता है वो कोएड के अंदर, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझे ये कहते हैं कि आप इसको सबसे अच्छा क्यों बताते हो, तो ये मैं अच्छा नहीं बताता, ये इसकी रैंकिंग बताती है, ठीक है, कि कॉलेज में कुछ बात है तभी हर बच्चे का वो ड्रीम कॉलेज होता है। तो ये मिथ था, आप भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप डरे हुए हो कि आप हिंदू कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप जा सकते हो। हिंदू कॉलेज देश का नंबर 1 कॉलेज है आर्ट्स के कोर्सेज के लिए, ठीक है, जो आप ह्यूमैनिटीज के लिए जाते हो, और इस कॉलेज में कोई भी बच्चा जा सकता है, आप वो हिंदी मीडियम से हो चाहे किसी भी मीडियम से हो। तो आप ये तो अपने दिमाग से भ्रम को निकाल देना कि हिंदी मीडियम के नहीं जा सकते, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपको बताऊं, अब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सब मतलब आपके लिए सब काम आसान ही आसान है अब अगर आप हिंदी मीडियम से हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस करी है। मैं आपको कुछ भी ऐसी किताबी नॉलेज वगैरह नहीं देता, मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ जो मेरे ऊपर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जब मेरा एडमिशन हुआ था 2019 में, तो वहां पे मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था जब मैं कॉलेज के अंदर गया था, ठीक है, और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। आज वही सब चीजें मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, एक तो जो लैक ऑफ सेपरेट सेक्शंस, यानी कि आप अगर सोच रहे हो कि कॉलेज में हिंदी मीडियम का आपको अलग से सेक्शन मिलेगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये ज्यादातर में नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है, एक कंबाइंड क्लास होती है जिसमें जो प्रोफेसर होता है वो दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, वो एक ही क्लास के अंदर सारी क्लास चलती है। और कुछ कॉलेजेस होते भी हैं ऐसे, ठीक है, कुछ साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे ज्यादा इंग्लिश मीडियम का क्राउड नहीं आता,
ये देखो डिपेंड करता है आपके क्लास के क्राउड के ऊपर। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो वहां पे आपका एक अलग सेक्शन बनना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 100 में से 80 बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो वहां पे आप ये मान के चलो कि सेक्शन बनता है अलग से, ठीक है, हिंदी मीडियम का। तो ज्यादातर कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट्स होते हैं मेजोरिटी में, तो इसलिए ये जो कॉलेजेस होते हैं हिंदी मीडियम के अलग सेक्शन वाले, ये थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है। इट मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। क्या ऐसा है कि मतलब कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चे ही पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं और वो भी चीजों को समझ लेते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके प्रोफेसर के ऊपर। देखो, रोल ऑफ प्रोफेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्रोफेसर जो मिला है वो काफी, देखो प्रोफेसर की ड्यूटी ये होती है, उसको हिंदी मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाना है, उसको इंग्लिश वालों को भी पढ़ाना है। कोई आप ये मत समझो हिंदी मीडियम की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कोई और आएगा और इंग्लिश की पढ़ाने के लिए कोई और आएगा। एक सिंगल प्रोफेसर ही होता है जो आपको पढ़ाएगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितने एफर्ट्स कर सकता है आपके पीछे। अगर वो अच्छे हैं पढ़ाने में, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी वो आपको पढ़ा सकते हैं। देख, मैं अगर आपको बताऊं तो आप देखिए कि मैं जब गया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जब स्टार्ट हुआ था, तो मुझे वहां पे हिस्ट्री के जो टीचर मिले वो काफी अच्छे थे, ठीक है। वो मतलब एक मैम थी और वो जब पढ़ाती थी तो वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश को दोनों को साथ लेके चलते थे, ठीक है। जो लाइन उन्होंने इंग्लिश में बोली है वो हिंदी में भी बोलते जाती थी। लेकिन जो मुझे पॉलिटिकल साइंस की मैम मिली थी वो प्योर इंग्लिश में बोलती थी, वो बहुत ही कम परसेंट वो हिंदी में समझाती थी। तो ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर और आपकी किस्मत के ऊपर। मैं आपको सीधा बता दूं, लाइब्रेरी की अगर हम बात करें तो आप जब जाते हो, देखो जैसे जैसे, ये एकदम सच बात है कि जब आपके पढ़ाई का लेवल बढ़ता है, ठीक है, जब स्टडी का लेवल बढ़ता है, तो आपको जो बुक होती है वो ज्यादातर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जो फॉरेन ऑथर्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल राइटर्स होते हैं, वो अपनी किताबें जाहिर सी बात है इंग्लिश में ही लिखते हैं, और हिंदी मीडियम में उसके ट्रांसलेशन मिल पाना मुश्किल होते हैं। और जो मिल भी जाती है अगर कोई बुक हिंदी मीडियम में, तो वो उतने लेवल की अच्छी नहीं होती जो कि उसका इंग्लिश वर्जन होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी बुक में दिक्कत आ सकती है जैसे जैसे आपका लेवल आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मिलती ही ना हो बुक, बुक मिलती है लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब बात करें क्वेश्चन पेपर की, देखो जब आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे और जब आपके एग्जाम्स होंगे, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम होता है, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इंग्लिश में भी लिखा होता है, उसके नीचे हिंदी में भी लिखा होता है। फिर ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो DU का भी ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका जो मीडियम होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि कॉलेज में पढ़ाई का मीडियम क्या होता है। तो कॉलेज में पढ़ाई का कोई एक स्पेसिफिक मीडियम नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि बच्चों के मेजोरिटी क्या है, ज्यादातर बच्चे किस मीडियम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसी को अपने अंदर मान के चलो कि आप कर सकते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो। हिंदी मीडियम आपका रहा है, काफी अच्छी बात है। कुछ चीजें अब इंग्लिश की भी आपको आगे सीखनी है, क्योंकि कोशिश करो कि आप बायलिंगुअल रहो, ठीक है, आपको दोनों ही मीडियम में आपको समझ में आए। और एक चीज मैं अगर आपको बताऊं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि वो हिंदी तो पूरी कर चुका होता है, हिंदी में उसे सब समझ आता है, लेकिन थोड़े से अगर हम एफर्ट करें तो हम इंग्लिश में भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दो मीडियम आ गए अब तो, ठीक है, हिंदी तो हमें आती आती है, साथ में हम इंग्लिश भी सीख जाते हैं, तो इससे क्या होता है आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यही अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और वो पूरी जिंदगी इंग्लिश में पढ़ा है और उसको कोई बोल दे कि आपको अब हिंदी में जाना है, तो उसको बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी। लेकिन एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इतनी जल्दी मतलब जो है अपने आप को इंग्लिश में बदल सकता है अगर वो मेहनत करे अपने ऊपर, ठीक है। तो यही बताना था आपको आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।